एआई का जमाना चल ही रहा है दोस्तों, तो स्मार्ट वॉच पीछे क्यों रह जाए। तो यहाँ पर नॉइस ने स्मार्ट वॉच में एआई इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो आइए एआई की बातचीत करते हैं इस वीडियो में, आइए एआई की बातें करें, आइए एआई क्या है ये। और एआई के लिए इस वीडियो में 2000 लाइक्स का टारगेट दोस्तों। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर दोस्तों नॉइस ने अपनी नॉइस पल्स 4 मैक्स स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, जिसमें आपको एआई इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 2500 रुपए के आसपास, और ये इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट वॉच है जिसमें आप अनलिमिटेड वॉच फेसेस क्रिएट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। कैसे कर पाएंगे मैं आपको वीडियो में सब बताऊंगा। मैं इसको पर्सनली 2 दिन से हैवी तरीके से यूज कर रहा हूं। इसके सेंसर्स कितने एक्यूरेट है, यूआई कितना स्मूथ है, क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, कैसे वर्क करते हैं, सारी आपको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग मिल जाएगी हैवी टेस्टिंग के साथ। ताकि अगर आप सोच रहे एआई बेस्ड स्मार्टफोन कंसिडर करने का, एंड तक पॉसिबल डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि ये कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको नॉइस पल्स 4 मैक्स स्मार्ट वॉच का ऐसे बिल्कुल आपको बढ़िया सा बॉक्स मिलेगा ब्रांड की तरफ से। एंड फ्रंट में मेंशन है, इसमें आपको एआई क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है। एंड इसको हम अनबॉक्स करेंगे तो आपको ऐसी पैकेजिंग मिलने वाली है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पैक्ड है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसमें आपको डिटेलिंग के साथ यहाँ पे आपको वारंटी रजिस्टर करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में कुछ आपको ब्रांड की तरफ से स्टिकर्स मिलने वाले हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक बुक माई शो का यहाँ पे आपको वाउचर दिया हुआ है, इसको आप स्कैन करके यूटिलाइज कर सकते हैं कूपन को भी। एक एडिकेट लेंथ की आपको चार्जिंग केबल मिलने वाली टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और यहाँ पर मेरे पास ब्रांड की तरफ से 2 ऐसे कलर कॉम्बिनेशन में स्मार्ट वॉच आई हुई है दोस्तों, आपको मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं, ऐसा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा। और इसमें आपको 20mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, क्वालिटी यहाँ पे काफी बढ़िया मेंटेन की है स्ट्रैप्स, इसको लेके दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहते तो यहाँ पे डिटैच भी कर सकते हैं स्ट्रैप्स को। वॉच के बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स, बिल्टिन आपको स्पीकर मिलने वाला है, माइक्रोफोन मिलने वाला है, ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट हम आगे करेंगे। और यहाँ पे पूरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टफ मेटालिक बिल्ड मिलने वाली है स्मार्ट वॉच में, टफनेस से बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है। एक मल्टीफंक्शन बटन मिलेगा, साथ में क्राउन की फंक्शनलिटी भी मिल जाएगी। और फ्रंट में आपको 1.96 इंचेस का इसमें आपको एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है, जो इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस है, व्यूइंग एंगल्स है, यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया हुआ है काफी आपको प्रीमियम मिल जाएगा। एंड साथ में यूआई की स्मूथनेस की बात करेंगे, यूआई भी परफेक्टली आपको स्मूथ मिलने वाला है, यूज करने में कोई लैग फील नहीं होगा, बढ़िया आपको यूआई मिल जाएगा। एंड साइड में जो 2 बटन दिए गए, जो ऊपर वाला बटन है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो स्क्रीन ऑन और ऑफ होती है। और ये क्राउन की फंक्शनलिटी दी गई है, इसी को आप रोटेट करके मल्टीपल जो वॉच फेसेस है यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के वॉच फेसेस दिए गए हैं, या फिर जो मेन्यू है इसको भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, सही तरीके से वैसे ही वर्क करता है। और जो नीचे वाला बटन है यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेके, यहाँ पे आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, अलग अलग कैटेगरीज में आप देख सकते हैं मल्टीपल आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिलने वाली हैं। आपको कौन सी कैटेगरी में स्पोर्ट्स मोड्स यहाँ पे चेकआउट करने हैं तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। और सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप हाथों में टाइटली स्मार्टवॉच को पहनेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे घूम फिर के अप्रॉक्सीमेटली 42 स्टेप्स के आसपास चल के आया था, और स्मार्ट वॉच में भी एक्जैक्टली 42 स्टेप्स ही दिखा रहा था। और मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ, कभी कभी एक ऐसी एक्स्ट्रा स्टेप दिखा सकती है अगर आप यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं उस टाइम पे हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहनेंगे काफी बढ़िया आपको एक्यूरेसी मिलने वाली इसके थ्रू। बाकी इसके ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है नोटिफिकेशन पार्ट को लेकर, ऐसा आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, फुल मैसेज रीड कर सकते हैं लेकिन ये इमोजी डिटेक्ट नहीं करता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है, यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस के लेवल्स को सेट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस काफी बढ़िया मिलने वाली है, एमोलेड डिस्प्ले आउटडोर कंडीशन में सनलाइट में भी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्लैशलाइट का ऑप्शन मिलने वाला है, टैप टैप करके यूटिलाइज कर सकते हैं, साइलेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिलने वाली, यहाँ पे आपको वॉच फेस में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलने वाला है एआई जनरेट कर सकते हैं यहाँ से आप, इसमें आपको एआई वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ये तभी वर्क करता है जब आप एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे, फोन की जो एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट करेंगे स्मार्ट वॉच को, तभी जो एआई का फीचर वर्क करता है। यहाँ पर इसमें आप स्टार्ट करके कुछ भी आप बोलेंगे, फॉर एग्जांपल क्रिएट अ बैटमैन पिक्चर, तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली रीड करके बैटमैन का पिक्चर क्रिएट कर देगी, ऐसा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं वॉच फेस की तरह। एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ, क्रिएट अ गैलेक्सी पिक्चर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली जनरेट करके गैलेक्सी आपको पिक्चर दिखा देगी, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं वॉच फेस की तरह। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एआई को बोल के वॉच फेस क्रिएट भी कर सकते हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव मेरे हिसाब से। साथ ही में वाइब्रेशन एंड रिंग की सेटिंग मिल जाएगी, ब्राइटनेस की लेवल सेट कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट रखनी है स्मार्ट वॉच को वो आप कर पाएंगे। मेन्यू व्यू में आपको मल्टीपल देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल के मेन्यू व्यू मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको ग्रिड व्यू मिल जाएगा, पैरेलल व्यू, सरफेस व्यू, क्रिसेंट व्यू, फुल मून, तो मल्टीपल यहाँ पे आपको मेन्यू व्यूज मिलने वाले हैं जो आपको प्रेफरेबल है अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और स्क्रीन क्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलने वाला है, इसमें आपको एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक मिल जाएगा, एनालॉग क्लॉक का आपको ऐसा लुक एंड फील मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, डिजिटल क्लॉक में आपको ऐसा लुक एंड फील मिलने वाला है जो आपको प्रेफरेबल अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो रेस्टू एक फीचर है काफी आपको बढ़िया तरीके से वर्क करता है, प्रॉम्प्टली आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, उसको लेकर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में रेस्टू एक फीचर वर्क नहीं करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और डायनेमिक आइलैंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्तों, जैसे आपको आईफोन में डायनेमिक आइलैंड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको दिखा देगा मैसेज आया हुआ है, तो इसको भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ से आप। स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, पावर ऑफ, रीसेट, रीस्टार्ट,
फाइंड माई फोन का ऑप्शन, एप्लीकेशन का क्यू आर कोड दिया हुआ है, मार्केट डिस्कस करेंगे कैसे वर्क करती है। तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली इसकी सेटिंग्स पार्ट में। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट मिलने वाला है स्टेप काउंटिंग को लेकर, कितने आप स्टेप्स चल रहे हैं, कितनी कैलरीज बन गई, ट्रैक आउट कर सकते हैं। स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर का ऑप्शन, इसको मैं यहाँ पे पहन के सोया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे मेरा अवेक टाइम है, REM स्लीप कितनी है, लाइट स्लीप, डीप स्लीप कितनी है, कब से कब तक मैं सोया हुआ हूँ। यहाँ पे सुबह 6:30 का अलार्म लगाता हूँ, 6:30 बजे मैं उठा, बिल्कुल यहाँ पे आपको प्रॉपर रीडिंग मिलने वाली है इसके स्लीप सेंसर को लेके। साथ ही में हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट का ऑप्शन, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। स्क्रॉल करके यहाँ पे आप नेक्स्ट फ्यू डेज का वेदर फोरकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच के आप एक्सेस कर पाएंगे। नॉइस हेल्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन। और सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, बिल्कुल आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेकर, बढ़िया क्लोज रेंज दिखा रहा है यहाँ पर। सेम आपको बिल्कुल सेम रीडिंग मिलने वाली है ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेकर भी। स्ट्रेस मॉनिटरिंग में आप चेकआउट कर सकते हैं आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कितना हो रहा है, आप यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस में है, ज्यादा स्ट्रेस में है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन सेंसर जो है इसके काफी एक्यूरेट लगे मुझे, मैंने यहाँ पे कंपेयर करके देखा इंस्ट्रूमेंट किट के साथ, सेंसर में काफी बढ़िया आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है। साथ ही में स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, मैसेजेस का ऑप्शन, नॉइस बज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट कॉल, डायल पैड का ऑप्शन मिलने वाला है, आप डायल कर सकते हैं किसी का भी नंबर, किसी का कॉल आएगा तो यहाँ से आप साइलेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को। यहाँ पर देखिए हमारा DRS दीक्षा रूपी सिस्टम स्मार्ट वॉच का। हेलो, हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ। बैठे हुए हैं, ओके, तो एक कॉलिंग टेस्ट की जाए यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी ना नॉइज ब्रांड ने एक यहाँ पे स्मार्ट वॉच लॉन्च किया जिसमें AI फीचर्स हैं। हाँ। तो ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट कर रहा हूँ ऐसे पार्क में थोड़ा घूम फिर के स्मार्ट वॉच पहन के, तो मेरी आवाज आपको कंपैरेटिवली कैसी आ रही है? आवाज तो समझ में आ रही है। हाँ हाँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये जो लाउडनेस है वो एडिकेट लग रही है। लाउडनेस एडिकेट है, बाकी ऐसा कोई समझने में या बातचीत में दिक्कत आ रही है वैसे, मतलब नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से? नहीं नहीं, समझ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है दीक्षा जी, थैंक यू, बाय। और कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं कॉल को, स्पीकर के लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं आपको फोन से बात करनी है कि स्मार्टफोन से बात करनी है, और कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। और जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है वैसे डिसेंट तरीके से वर्क करता है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे आप माइक्रोफोन जो स्पीकर है डिसेंट तरीके से वर्क करता है, आउटडोर कंडीशन में थोड़ी बहुत दिक्कत फेस हो सकती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में घर में घूम फिर के बातें करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आराम से आप कर पाएंगे ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर को एक्सेस। यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन से QR कोड सेव कर सकते हैं, अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करनी है स्मार्टफोन को दिखा के, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक शेयर करने हैं QR कोड को दिखाते हैं आप सेव कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। वेदर इन्फॉर्मेशन, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद यहां से आप डायरेक्टली स्मार्टवॉच के थ्रू प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक्स को ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, स्पीकर के लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्टवॉच के थ्रू ही डायरेक्टली, लेकिन जो बिल्ट इन स्पीकर दिया हुआ है उसके थ्रू आप म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लॉक में आपको स्टॉपवॉच, अलार्म, टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, AI वॉइस असिस्टेंट फीचर दिया हुआ है, अगर आपके फोन से कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप टैप करेंगे तो फोन का वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, आप कमांड जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। गेम्स में आपको 4 गेम्स मिलने वाले हैं, यंग बर्ड, 2048, थंडर बैटलशिप, हैमस्टर का ऑप्शन, तो टाइम पास करने के लिए इनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्ट इन कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है, कैलेंडर का ऑप्शन मिलने वाला है, इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। AI सर्च का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलने वाला है, अपार्ट फ्रॉम AI वॉच फेसेस, यहाँ पर आपको AI सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी यहाँ पे पूछना है, बस एप्लीकेशन से कनेक्ट होनी चाहिए स्मार्ट वॉच, फिर आप कुछ भी पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैन टू गो ऑन मून, तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स बाद एनालाइज करके आपको प्रॉपर रिजल्ट भी दिखा दिया जाएगा। इसका AI का फीचर काफी सही तरीके से वर्क करता है, लेकिन प्रॉम्प्टली आप बोलते हैं ना कि बिल्कुल आपने यहाँ पे बिल्कुल उसको बोला और तुरंत रिजल्ट दिखा दिया, कुछ सेकंड्स लग सकते हैं कभी कभी, तो हल्का बिल्कुल आप डिले बोल सकते हैं सर्च में, लेकिन यहाँ पे आपको AI का फीचर दिया हुआ है स्मार्ट वॉच में, एक अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। साथ में स्टॉक का ऑप्शन मिलने वाला, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं किसी भी स्टॉक की, आपको एक्टिविटी चेकआउट करनी है तो यहाँ से आप एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू ही। सेटिंग्स आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं क्या आपको मिलने वाला है, तो ये सब आपको चीजें भर भर के मिलने वाली है, फीचर से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसको आप डेफिनेटली फीचरिस्टिक स्मार्टफोन बोल सकते हैं इस प्राइस पॉइंट में। और साथ ही में आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट फीचर दिया हुआ है, अगर आप एक्टिविटीज करते हैं, स्वेट आता है, पानी के स्प्रेस लगते हैं, जिम पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी स्मार्ट वॉच को। और इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, यहाँ पर आप कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद जितनी भी आपने एक्टिविटीज की हुई, स्टेप काउंटिंग को लेकर, सेंसर्स पार्ट को लेकर, यहाँ से भी आप ट्रैक आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वॉच फेसेस में आप जाएंगे तो मल्टीपल आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलने वाले हैं, यहाँ से उनको भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। कस्टमाइज वॉच फेस पे जाएंगे तो आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कैमरा से पिक्चर लेनी है, आपके फोन में स्टोरेज पिक्चर, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, टाइम पोजिशन कैसा चाहिए, तो और भी कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेकर। और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलने वाली है, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज शो कर देगा, साथ ही में चेक फॉर अपडेट्स, वारंटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, डिवाइस सेटिंग्स में आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ करना है, डिवाइस टाइम सिंक्रोनाइज करना है, स्क्रीन टाइम यहाँ पे आपको मिनिमम 5 सेकंड्स, मैक्सिमम 15 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया हुआ है, इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। यहाँ पर अनपेयर कर सकते हैं डिवाइस को। नोटिफिकेशन में आप आपको SMS नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, कौन कौन से आपको एप्लीकेशन नोटिफिकेशन चाहिए यहाँ से सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं।
कॉलिंग की फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर, माई अलार्म, गूगल फिट, माई कॉन्टेक्ट्स में आपको 8 डिफरेंट कॉन्टेक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्यूआर कोड का जैसे कि मैंने आपको बताया, क्यूआर कोड आपको सेव करना है, पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपको लिंक शेयर करने हैं क्यूआर कोड के थ्रू, यहाँ से आप स्मार्ट वॉच में ऐड कर सकते हैं यहाँ से एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। वेदर सेटिंग्स का ऑप्शन, कैमरा शटर का ऑप्शन दिया गया जो कि एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है, जो स्मार्ट वॉच में शटर उसको आप टैप करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। स्टॉक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपको ट्रेडिंग करनी है, किस स्टॉक्स का आपको एक्टिविटीज चेकआउट करनी है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रेस यू फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन, और इसमें भी आपको AI सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कुछ भी आपको सर्चिंग करनी है एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू AI को यूज करके, तो इसके थ्रू भी आप कर पाएंगे, अनपेयर कर सकते हैं डिवाइस को। तो ये सब आपको मल्टीपल चीजें मिलने वाली एप्लीकेशन पार्ट में, यूजफुल एप्लीकेशन कनेक्ट करके प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ इसकी बैटरी लाइफ की बात करेंगे दोस्तों, बैटरी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी, मैं इसको 2 दिनों से अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूँ, और अभी भी बैटरी आप बोल सकते हैं यहाँ पे 55% के आसपास बची हुई है। तो आप बोल सकते हैं इसका अगर आप हैवी यूसेज करते हैं, मैंने यहाँ पे मॉडरेट यूज किया हुआ है, नहीं कम नहीं ज्यादा, 20 तरीके से आप बोल सकते हैं मैंने यूसेज किया हुआ है, अगर इसका बिल्कुल आप लगे रहेंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग करते रहेंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेंगे, फिर भी आपको मैक्सिमम 2 से 2.5 दिन के आसपास बैटरी लाइफ मिलने वाली है। नॉर्मल तरीके से एडिकेट तरीके से यूज करेंगे 6-7 दिन के आसपास आपको आराम से बैटरी लाइफ मिल जाएगी, बैटरी काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, बिल्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, AI का फीचर चाहिए, अनलिमिटेड वॉच फेसेस क्रिएट करने हैं, इसमें आपको फीचर से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही थम्स अप है, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन चाहिए तो। मैंने बाकी आपको सारी सारी टेस्टिंग दिखा दी, प्रोज एंड कॉन्स के साथ, आप पे डिसीजन मैटर करता है, बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च नॉइस पल्स 4 मैक्स AI स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।